भाई के दोस्त ने लूटी नाबालिग की असमत, 3 महीने से डरा धमका कर कर रहा था दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज। घुमाने के बहाने ले जाकर जंगल में किया दुष्कर्म, फिर धमकी देकर करने लगा शारीरिक शोषण। रीवा में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी नाबालिग लड़की के भाई का दोस्त है, जिसने भाई बनकर पहले तो उसे घुमाने का झांसा दिया और फिर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। लगभग 3 माह तक आरोपी पीड़िता को डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा, लेकिन जब किशोरी गर्भवती हो गई तो ये राज खुल गया और पीड़िता ने माँ को अपबीती सुनाई। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मामला जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली मुस्लिम परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके भाई के दोस्त 3 महीने से शारीरिक शोषण कर रहा था। मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध की धारा 376 का केस दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला थाना पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि उसी के गांव में रहने वाले छोटू खान नामक के युवक की उसके भाई से दोस्ती थी। आरोपी युवक का पीड़िता के घर में अक्सर आना जाना हुआ करता था। घटना 3 माह पूर्व की है। जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी आरोपी उसे घुमाने के बहाने ले जाकर पास के ही जंगल में उसके साथ दुष्कृत किया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी उक्त घटना के बाद अक्सर उसके घर तब आता जब वह घर पर अकेली रहती और डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब पीड़िता के पेट में दर्द होने लगा और मां ने जांच कराई तो किशोरी गर्भवती निकली। मामले में फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रस्तुत है एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सिमरिया क्षेत्र में एक बच्ची 16 वर्ष की है, उसके भाई का साथी जो है मित्र उनके घर आता जाता था और करीब 3 माह के आसपास पूर्व की घटना है। वो उसको बुआ के घर ले जाने के बहाने शाम को ले गया था और अंधेरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर उसको घर बता देने और डराया धमकाया, जिससे वो किसी को बताए नहीं और इसी बीच उसी आड़ में एक दो बार उसने दोबारा संबंध बनाया, जिसकी सूचना उसने घर वालों को दी। घर वाले जो है इसको पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने तत्काल जो है महिला थाना भेज करके इसका अपराध पंजीबद्ध किया और जो आरोपी है उसे तुरंत जो है पुलिस टीम जा करके घेर करके पकड़ करके और लेके थाने आई, पूछताछ किया, जिसने अपने जुर्म कबूल किया है, कल उसको न्यायालय पेश किया गया है।